तो दोस्तों एक बार फिर से पश्चिमी देशों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि एक मुद्दे को लेकर पश्चिमी देश न सिर्फ भारत के ऊपर टूट पड़े बल्कि भारत की आलोचना भी कर डाली। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही महीने पहले भारत ने अपने यहाँ से गैर बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारत के पास खुद 1 अरब 40 करोड़ की बड़ी आबादी है और उसके लिए भारत को पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक मेंटेन करना था, जिसके कारण से भारत ने अपने चावल को दूसरे देशों को बेचने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जो आवश्यक देश थे जिनके यहां पर भुखमरी के हालात थे उनको भारत ने चावल एक्सपोर्ट किया, परंतु अब इसी मुद्दे को लेकर WTO के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूरोप ने मिलकर भारत की जबरदस्त आलोचना करी है और इन्होंने कहा है कि भारत का प्रतिबंध उन देशों के लिए काफी ज्यादा प्रभावित करेगा जिन देशों को आयात के माध्यम से ही अपना पेट भरना पड़ता है। पर भारत पश्चिमी देशों के सामने WTO के सामने भी नहीं झुका और भारत ने यही तर्क दिया कि हमारे पास तो खुद की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, यदि हम दुनिया भर को खिला देंगे तो हमारी आबादी को हम क्या खिलाएंगे, और इसी कारण से हमने हमारे बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। तो पश्चिमी देशों ने भारत से भारत के चावल उत्पादन का और स्टॉक का डेटा मांगा, जिसमें भारत ने बताया कि इस साल उम्मीद है कि करीब 13 करोड़ 40 लाख टन का बम्पर उत्पादन हमारे यहाँ पर चावल का हो सकता है, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख टन हम स्टॉक करेंगे, बाकी का चावल हम जरूरतमंद देशों को एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, पर पहले भारत की फसल आ जाए। पर WTO के अंदर पश्चिमी देशों ने जो भारत की आलोचना करी है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पश्चिमी देशों को भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि भारत के लोग भूखे रहें और भारतदानी बनकर दूसरे देशों को अपना चावल और खाद्यान्न बेचता फिरे। पर भारत ने पश्चिमी देशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।